नमस्कार, आज बीसी विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। विशेष में आज की शुरुआत हम करेंगे टोंक से, जहां एक ओर सरकार हर बच्चे को शिक्षा के अधिकार के तहत शिक्षित करने का राग अलाप रही है, तो वहीं टोंक में बालिकाओं को छात्रावास में मौत के साए में रहकर शिक्षा ग्रहण करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जरा सोचिए कि बालिकाओं को अपने घर से दूर रहकर छात्रावास में शिक्षा ग्रहण करनी पड़े और वो भी मौत के साए में, तो वो कैसा महसूस करेंगी। जी हां, हम बात करेंगे टोंक के पनाधाय बालिका छात्रावास की, जहां जर्जर भवन में रहकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं ये छात्राएं। और इसी पर पेश है ये खास रिपोर्ट। टूटी हुई छत से पानी टपकना, दीवारों में दरारें, खिड़कियों में कांच और दरवाजों में लकड़ी की जगह खुलापन, रसोई में सीलन और संक्रमण का खतरा और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नकारा बता दिए गए भवन में शिक्षा को मजबूर छोटी छोटी छात्राएं, वो भी अपने घर से दूर किसी छात्रावास में, कुछ ऐसी ही हकीकत है। यही नहीं, छात्राओं को भोजन उपलब्ध कराने और पर्याप्त कर्मचारी नहीं होने की मांग को लेकर छात्रावास के बाहर प्रदर्शन करना पड़ता है, तो वहीं अपनी सुविधाओं के लिए भी धरने प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ता है। हालात तो यह है कि इस छात्रावास में 256 छात्राओं के खाने का जिम्मा महज 5 रसोई कर्मचारियों के ऊपर है, जिससे रसोई में अव्यवस्थाओं का आलम है। यह सब तो फिर भी छात्राएं सहन कर लेती हैं, लेकिन सिर पर मंडराती मौत के खतरे के बीच शिक्षा ग्रहण करना उन्हें सहमा देता है। ऐसे में शिक्षा से ज्यादा उन्हें अपने जीवन की फिक्र लगी रहती है, लेकिन उनकी आवाज को सुनने वाला कोई नजर नहीं आता। कैसी है छात्राओं की पीड़ा, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। बारिश के दिनों में बहुत सारा पानी गिरता है, जिस वजह से ट्यूबलाइट कभी भी ठीक नहीं रह पाती, हमेशा खराब हो जाती है। और एक ट्यूबलाइट से पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारा, और पूरा रूम गीला हो जाता है, यहाँ तक कि बेड भी गीला हो जाता है, सोने में बहुत दिक्कत आती है हमें। और ये टूटी खिड़कियों के बारे में आपने बताया? हाँ बताया मैम ने, बोला धीरे धीरे रहेगा सब कुछ। ये टूटी खिड़कियों में ये कीड़े वगैरह आने का भी डर रहता है रात को। आते हैं जानवर, कोई जानवर आ जाते हैं? एक बार तो आ भी गया सांप, कभी सांप आ जाते, कभी गोयल। बुक्स गीली हो जाती है, बॉक्स के अंदर पानी जाता है और पूरे रूम में पानी पानी हो जाता है। बारिश में किस तरह का भी? बारिश में पूरे रूम में पानी पानी हो जाता है। पन्नाधाय बालिका आवासीय छात्रावास में बिगड़ते शिक्षा के वातावरण के चलते अपने घरों से दूर आकर ये छात्राएं अपने आप को ठगा सा महसूस करती हैं। तो वहीं यहां लगे कर्मचारियों की स्थिति भी ऐसी है कि उनके अनुसार प्राचार्य की मनमानी का खामियाजा भी उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। वहीं इसका असर भी छात्राओं की दिनचर्या पर पड़ रहा है। अब लड़कियां तो बहुत हो गई, हम 100 लड़कियों पे आए थे, 100 लड़कियों 5 जनी आई थी, अब 150 के ऊपर लड़कियां हो गई। अच्छा। तो हमसे ही बोलते हैं टेम से खड़ा दो, तो हमसे टेम से खड़ा किसे लगेगा, 25 में एक औरत लगाते हैं यहाँ पर, तो हम 5 ही तो औरतें हैं, 150 लड़कियां हो गई यहाँ पर। हमसे कहते हैं टेम से खड़ा दो, टेम से खड़ा कैसे बनेगा, लड़कियां भूखा मरती है। हम ऐसे बोलते हैं 4 जड़ी और लगाओ, तो नहीं आपको बनाना पड़ेगा 6 लड़कियों, 6 लोग औरतों को। छात्रावास भवन की जर्जर अवस्था को खुद यहाँ की प्राचार्य भी स्वीकारती हैं, लेकिन मरम्मत के नाम पर प्राचार्य कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रही हैं। हालांकि प्राचार्य ने एस्टीमेट बनाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया हुआ है, लेकिन छात्रावास प्रशासन की लापरवाही शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। स्कूल का भवन जर्जर है, तो उसके लिए एस्टीमेट बनवा के और बजट भी आया हुआ है हमारा, और बारिश खत्म होते ही इसका काम शुरू होगा। पीडब्ल्यूडी को मिला हुआ है इसका, पीडब्ल्यूडी को हमने दिया हुआ है, पीडब्ल्यूडी ही निर्माण करवाती है। तो जब कमरों में पानी हो जाता है, उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की जाती है, उसके लिए हमने पीडब्ल्यूडी को लिखा हुआ है। सरकार भले ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के नाम पर छात्रावास तो खोल रही हो, लेकिन जर्जर भवन और अव्यवस्थाएं, अपने घर से दूर रहकर शिक्षा ग्रहण करने के नाम पर सरकार के प्रयासों की पोल खुल चुकी है। वहीं छात्रावासों में ना तो पर्याप्त सुविधाएं हैं और ना ही अपेक्षा के अनुसार कर्मचारी। यहां तक कि छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ रहा है।
आलम तो ये है कि छात्रावास में ना तो कोई रसोई है और ना ही कोई रसोईया। कई बार पढ़ने वाली छात्राओं को भूखे तक रहना पड़ता है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के नाम पर दम भरने वाली राज्य सरकार की ये पहल छात्राओं को खून के आंसू रुलाने पर मजबूर है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन हर साल सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट बनाती है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ होता है ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि टोंक के पन्नाधाय बालिका आवासीय छात्रावास में रहने वाली इन छात्राओं के लिए सुविधाओं का पिटारा कब खुलेगा और कब ये भयमुक्त माहौल में शिक्षा के साथ अन्य सुविधाओं का भी लाभ ले पाएंगी। HBC न्यूज के लिए टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट। तो ये तस्वीर देखिए आपने टोंक के बालिका छात्रावास की। सरकार जहां कहती है कि सब पढ़े और सब बढ़े और खासकर बालिका शिक्षा पर बहुत ही जोर यहां पर दिया जाता है, वहां ये तस्वीर बताने के लिए पर्याप्त है कि सरकार की जो योजनाएं हैं किस कदर धूल फांक रही हैं। और फिलहाल हमारे साथ बने हुए टोंक से हमारे संवाददाता रवि टेलर। रवि, सरकार का नारा है कि सब पढ़े और सब बढ़े, लेकिन कैसे पढ़ेंगे और कैसे बढ़ेंगी छात्राएं? जी, घर से दूर वो रहती है और उसके बावजूद वहाँ हालात जो छात्रावास के वो हैं कि जहाँ PWD ने बिल्डिंग को कंडम घोषित कर दिया है, वहीं खिड़कियां दरवाजे तक टूटे हुए हैं। रसोई घर की स्थिति यह है कि वहाँ खाना खाने के बाद में कोई भी कह सकता है कि बीमारी कभी भी उनको अपनी जकड़ में जकड़ सकती है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। जब हमने इस बारे में प्रधानाचार्य मीना लसारिया से बात की तो उनका सिर्फ ये कहना था कि हमने बजट के लिए स्वीकृति मांग ली है, बिल्डिंग बन जाएगी, लेकिन वो ये नहीं बता पाई कि जो व्यवस्थाएं जो बिगड़ी हुई है, जिस कदर से खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं, क्योंकि टोंक से 6 किलोमीटर की दूरी पर जो ये छात्रावास स्थित है, चारों ओर जंगल है, उसके बीच में जंगली जानवर के साथ में जो जंगली कीड़े होते हैं बरसात के मौसम में, उनका डर रहता है, ऊपर से छतों से जब बारिश के बरसात का जो पानी टपकता है, उस स्थिति में छात्राओं को अपने कपड़े और अपने आप को बचाने के लिए भी जो है कहीं इधर उधर होना पड़ता है। तो उस स्थिति में कहा जाता है कि सरकार के नारे भले ही अच्छे हों, सबको शिक्षा का अधिकार हो, बालिका शिक्षा का अधिकार हो, लेकिन वो योजनाएं कहीं ना कहीं जो मूर्त रूप में जो जहाँ दिखती है, जो नजर आती है, तो उनकी स्थिति बड़ी दयनीय नजर आती है। पूनम जी, रवि, यहाँ पर प्राचार्य ने कहा कि बजट की कमी है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधारने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ पर रसोई है वो भी पूरी संख्या में मौजूद नहीं है। इस बारे में उनका प्राचार्य का क्या कहना है कि छात्राओं को आए दिन यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ता है? पूनम, इस मामले में हमने देखा है कि छात्राओं को अच्छे खाने के लिए वहाँ अपने कपड़ों की डिमांड जो होती है, उनको जो सरकार द्वारा जो ड्रेस मिलती है, बैग, स्कूल बैग मिलते हैं, किताबें मिलती हैं, उन सबके लिए धरने प्रदर्शनों का सहारा लेना पड़ता है। पूर्व में कई बार यहाँ छात्राओं से लेकर जो वहाँ अस्थायी कर्मचारी लगे हुए हैं, अस्थायी कर्मचारियों की मांग है कि 5 जो रसोई कर्मचारी हैं वो उस रसोई का खाना बनाती है, जिसमें 256 छात्राओं को खाना खिलाना पड़ता है। तो उनकी जब स्टाफ बढ़ाने की मांग होती है तो ठेकेदार के दबाव में कहीं ना कहीं स्टाफ नहीं बढ़ाया जाता, 5 लोगों से जो है अधिक काम कराया जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर गुणवत्ता जो होती है खाने की वो गिरती है, कच्चा पका हुआ खाना जो है छात्राओं को खाना पड़ता है, छात्राओं स्ट्राइक करती है, उसके बाद में एकाध दिन के लिए व्यवस्थाएं सुधर जाती है, लेकिन बाद में वही व्यवस्थाएं बिगड़ती नजर आती है। रसोई के हालात तो कम से कम ऐसे हैं जहाँ खाना मुनासिब नहीं है, बनाना तो दूर की बात है। जी, धन्यवाद रवि इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे टोंक से हमारे संवाददाता रवि टेलर, जिन्होंने बताया कि टोंक में क्या स्थिति है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार अपने सब पढ़े सब बड़े के नारे से भले ही पूरी तरह अवगत ना हो, पूरी तरह से जागरूक ना हो इस बात को लेकर, लेकिन टोंक के पन्नाधाय छात्रावास की छात्राएं अपनी शिक्षा को लेकर काफी जागरूक है और इतनी जागरूक है कि यहां पर खाने को लेकर, शिक्षा को लेकर और मूल सुविधाओं को लेकर हर दूसरे दिन धरना प्रदर्शन किया जाता है, तब जाके इनकी मांगे कुछ दिनों के लिए ही सही पूरी जरूर होती है। वक्त चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी टोंक के पन्नाधाय छात्रावास की, जहां छात्राएं किस कदर परेशान हैं ये देखा आपने। कहने को तो सरकार शिक्षा के अधिकार के तहत हर बच्चे को साक्षर करने का दम भरती है, लेकिन आज भी कई स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन सुरक्षित नहीं है। और इसी पर पेश है ये विशेष रिपोर्ट। ये नजारा जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये किसी खंडर का नहीं बल्कि टोंक की उनियारा तहसील के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाला किला का है।
स्कूल भवन की ऐसे हालातों को देखते हुए लगता है ये कभी भी धराशायी हो सकता है, लेकिन प्रशासन है कि मूक दर्शक बना हुआ है। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग ने कई बार शिक्षा विभाग को इसकी सूचना देते हुए स्कूल को कहीं और शिफ्ट करने की हिदायत दी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई यहां पर नहीं हो पाई है। जबकि भवन से चूना और पत्थर गिरना तो अब आम बात हो चली है, यहां तक कि बरसात के दिनों में तो कई बार स्कूल की छुट्टी तक भी करनी पड़ती है। जाता है और हमारी पढ़ाई बाधित होती है, बारिश होने की वजह से यहाँ पर बहुत पानी पानी हो जाता है और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और हमारे यहाँ पर चौक में पढ़ाई की जाती है, चूना खेलने पर वहाँ पर दीवारें और बहुत सी दीवारें ढह जाती है, जिसके कारण हम हमारी छुट्टी करते हैं। तकलीफ होती है और यहाँ कमरे में हर कमरे में किंकर बाटी गिरते रहते हैं, बारिश के दिनों में तो हमें गीले में बैठना पड़ता है, हमें और कुछ भी हो सकता है। दिनों में दिन जो बरसात टपकती रहती है, और आज से लगभग 2 वर्ष पहले जयन साहब ने ऐसे ऐसे जो जयन थे उन्होंने इसको डैमेज घोषित कर दिया, लेकिन 2 साल के बाद अब इसमें क्या है, जैसे आधी स्कूल तो बैठने लायक भी है, 2 कमरे बैठने लायक है, और जो पुरानी तहसील का है उसके नीचे स्कूल संचालित थी, अब तक उसमें पीडब्ल्यूडी वालों ने जो स्कूल को दे भी दिया है, लेकिन अब इसको हटवाने की व्यवस्था तो या तो संबंधित विभाग करवाए या पीडब्ल्यूडी करवाए। लगातार प्रशासन को चेताने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती देख अब अध्यापक बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ाने को मजबूर है। वहीं दूसरी ओर गैस सिलेंडर खत्म हो जाने के बाद बच्चों का मिड डे मील भी तिरपाल के नीचे बनाया जा रहा है। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारी भवन की जर्जर हालत की बात को तो स्वीकारते हैं, लेकिन वो भी बड़े अधिकारियों के आदेशों के इंतजार में है। पर कभी भी हादसा हो सकता है उस बिल्डिंग में, इसकी कार्रवाई हमने ये की है कि यहाँ एक छात्रावास है जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलीगढ़ की देखरेख में है, उसकी परमिशन हमने डिपार्टमेंट से हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से कलेक्टर साहब के माध्यम से ले ली है, लेकिन उसमें एक खामी ये रही है कि हमारे जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब है उन्होंने वो चाबी हमें उपलब्ध नहीं करवाई, और उन्होंने ये कहा है कि आप हमारे जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से आदेश लेके आइए, तो हमने उसके लिए एक चिट्ठी वापस लिखी है, जैसे ही ये निर्देश हमें प्राप्त होंगे हम वो विद्यालय उधर शिफ्ट कर देंगे, हमारी कार्रवाई होगी। हालांकि शिक्षा विभाग को सरकार ने नामांकन के जरिए बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन ये विभाग ही यहां पर बच्चों और उनकी पढ़ाई का दुश्मन बना बैठा है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इन अधिकारियों की मनमानी के चलते बच्चे कब तक यूं ही मौत के साहे में पढ़ने को मजबूर होते रहेंगे। HBC न्यूज के लिए उनियारा से निर्मल गुप्ता की रिपोर्ट। तो एक और तस्वीर देखिए आपने टोंक के उनियारा से, शिक्षा की अलग जगाते हुए एक ऐसे भवन की जहां पर टूटे फूटे भवन में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस भवन को नकारा घोषित कर रखा है, बावजूद इसके शिक्षा अधिकारी भी सब कुछ जानते हैं, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। वक्त चला ब्रेक का, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। खबरों की इस बाढ़ में आपकी खबर, आपके शहर पर नजर, हम लाते हैं हर रोज मारी सिटी में रात 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम आपको दिखाई थी 2 तस्वीरें टोंक की ही, जहां पर शिक्षा जो भवन है, स्कूल जो है, वहां के हालात क्या है। अब हम बात करेंगे नागौर के आवास हाउसिंग बोर्ड की, जहां पर बोर्ड प्रतिवर्ष नई नई कॉलोनियों के पंजीकरण का काम तो बड़े पैमाने पर करता है, लेकिन अपने द्वारा बनाई गई कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बुनियादी और मूलभूत सुविधाएं देने के नाम पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज हम बात कर रहे हैं बोर्ड की 20 साल पहले बसाई गई हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की। इस कॉलोनी में एक भी सुविधाएं नहीं है, सुविधाओं की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं ये लोग। देखिए इस पर ये विशेष रिपोर्ट। ये तस्वीर जो आप अपनी टेलीविजन की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है 20 साल पहले बसी